प्रधान रहते तो मैं नहीं इलेक्शन लड़ूंगा। तब कोई अच्छी पार्टी अगर मेरे को ऑफर करेगी तो फिर उधर मैं इलेक्शन लड़ूंगा। नाराज भी हो जाए हमारे वर्ग के तो हजार फिरते इनके पीछे पीछे। पिछलियां विधानसभा चोणां च अकाली दल नूं पहली वार करारी हार दा मूंह देखना पिया सी ते उस समय तो प्रधानगी दी कमान सुखबीर बादल दे हत्थ चल रही है। इन्नी माड़ी हार दे मंथन दे मौके कोर कमेटी दी मीटिंग विच कई टकसाली लीडरां ने प्रधानगी दी कमान प्रकाश सिंह बादल नूं संभालण लई कहा सी, पर बादल ने इस नूं अणगोलिया कर दिता सी, जिस करके कई टकसाली लीडर उन्हां तों नाराज चल रहे ने ते हुण बेअदबी मामले दे विच श्रोमणी अकाली दल घिरदा ही जा रहा है। जिथे एक पासे सिख जथेबंदियां श्रोमणी अकाली दल का विरोध कर रही सी, उथे ही अकाली दल के टकसाली लीडर ने भी हुण बगावत करनी शुरू कर दी है। पहला सीनियर लीडर सुखदेव सिंह ढींसा ते फिर बलदेव सिंह माखा ने पार्टी के सारे अहुदों का अस्तीफा दे दिता सी। इन्हां अस्तीफियां तो डरे श्रोमणी अकाली दल के सरप्रस्त साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल खुद मैदान च उतरे ने। उधर दूजे पासे पार्टी प्रधान सुखबीर बादल अपनी प्रधानगी जांदी देख के बगावती सुरां रोकण च लगे हुए ने ते रुसे हुए टकसाली लीडर नूं मनाउण च लगे हुए ने। सुखबीर बादल नूं डर सता रहा है कि जेकर पार्टी जिसे तरह बागी जोर उठते रहे तो उन्हां दी प्रधानगी दी कुर्सी तों हथ धोणे पै सकदे ने, जिस करके प्रकाश सिंह बादल ते सुखबीर सिंह बादल अलग अलग हलकियां च दौरा करके पार्टी वर्क नाल मीटिंगां कर रहे ने। हुण एक होर वड्डी खबर निकल के सामने आ रही है जिस नाल बादल परिवार तो प्रधानगी जाण दा खतरा होर भी वधदा दिखाई दे रहा है। हुण सीनियर लीडर ते फिरोजपुर तो सांसद शेर सिंह घबाया ने सुखबीर बादल के खिलाफ मोर्चा खोलिया है। घबाया ने कहा कि जेकर सुखबीर बादल प्रधान रहणगे तां अकाली दल वल्लों कदे भी चोण नहीं लड़नगे ते उन्हां ने कहा कि जेकर कोई चंगी पार्टी उन्हां नूं पार्टी दे विच शामिल होण लई सद्दा दिंदी है तां उह जरूर जाणगे। घबाया ने यह भी कहा सुखबीर बादल वड्डे बंदे ने, उन्हां नूं मेरी नाराजगी नाल कोई भी फर्क नहीं पैंदा। टाइम ही बताएगा, मेरे जो सपोर्टर है वो बताएंगे, क्योंकि अकाली दल मेरे को पसंद नहीं करता तो कभी उसने मुझे को बुलाया नहीं, कभी इंटीमेशन दी, कभी मैं गया भी नहीं। अपने तौर पे जाना तो वैसे भी इच्छा नहीं होता, तो फिर अगर वो पसंद नहीं करता फिर कोई अच्छी पार्टी अगर मेरे को ऑफर करेगी तो फिर उधर मैं इलेक्शन लड़ूँगा। नहीं, अगर वो प्रधान रहते तो मैं नहीं इलेक्शन लड़ूँगा, मैं अकाली दल से नहीं लड़ूँगा। इलेक्शन लड़ूँगा लेकिन अकाली दल से नहीं लड़ूँगा। नाराज वो लोग होते हैं जो तगड़े लोग होते हैं। हम तो गरीब परिवार से हैं, नीचे से उठ कर आए, हम इतने बड़े लोगों के साथ हम कैसे नाराज हो सकते हैं, क्योंकि हमारी नाराजगी का कोई बनता ही नहीं। हम नाराज भी हो जाए हमारे वर्ग के तो हजार फिरते इनके पीछे पीछे। उधरों एक खबर भी निकल के सामने आ रही है कि खंडूर साहब तो सांसद रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा, साबका सांसद रतन सिंह अजनाला ते साबका मंत्री सेवा सिंह सेखवा 7 अक्टूबर ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਘਵਾਇਆ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰੈਲੀ 'ਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਡੀ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਬਾਓ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰੋ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਐਪ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ। It's cool to be Punjabi.